एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम एंड आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक 157 एकड़ के टाउनशिप सनटेक सिटी, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट। इनके पास आपको फ्लोर्स भी मिल जाएंगे, प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको कमर्शियल भी मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के बारे में बता देती हूँ कि जो ये हमारी टाउनशिप है, ये कनेक्टेड है आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ, जो इसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीधा चली जाती है आपके मोहाली की तरफ। आगे जाके आप चंडीगढ़ हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप हिमाचल साइड को जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं। प्लस इस साइड अगर आप आगे चले जाएंगे तो आगे जाके आपका PR4 दक्षिण मार्ग आ जाता है, मध्य मार्ग रोड को ये कनेक्ट कर देती है। तो कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। एंड गाइज, एक और अपडेट दे देती हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक पैच बचा था ना, जो आपके दोनों रोड को कनेक्ट करता था, वो भी यहाँ पे बन चुका है। एंड नियर बाई प्लेसेस की बात करूंगी तो वो भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टेडियम यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे अगर आपको पता होगा तो रिसेंट एक IPL का मैच भी वहाँ पे होने जा रहा है। और अगर बात करूंगी, एजुकेशन सिटी यहाँ पे है, आपका मेडिसिटी यहाँ पे है, जहाँ पे आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑलरेडी आ चुका है, PGI का एक्सटेंशन वहाँ पे आने वाला है, और भी बहुत सारे जाने माने हॉस्पिटल्स वहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि ये जो लोकेशन है ना, ये एक हब आपको मिल जाता है, एक पैकेज के साथ मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको हर एक चीज़ नियर बाय में मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के सामने वाला जो एरिया है, यहाँ से ना आपको हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन आती रहेगी अगर आप यहाँ पे रहेंगे। वो इसलिए कि ये जो सामने वाला एरिया है, ये आपका रिक्रिएशनल जोन है, जहाँ पे इन फ्यूचर कोई भी कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये ऑक्यूपाइड है आपका पार्क्स वगैरह के लिए या फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो यहाँ पे इन फ्यूचर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सो गाइज, ये थी बाहर की बातें, अब चलते हैं अंदर। एंड यहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्लोर्स, बट उसके अलावा भी यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। आइए। सो गाइज, बात करेंगे यहाँ पे 3 BHK के अलावा आपको कमर्शियल की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका पूरा कमर्शियल पार्ट रहेगा, जिसमें आपको, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करूंगी, तो यहाँ पे आपको SCOs मिल जाएंगे, बूथ्स मिल जाएंगे एंड DSS मिल जाएंगे इन डिफरेंट साइजेस, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको प्लॉट्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 150 square yard टू 1000 square yard, जिनमें अगेन आप चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो गाइज, दिस इज़ द आउटर एलिवेशन ऑफ आर टूडेज 3 BHK अपार्टमेंट, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटर डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके आगे का ये स्पेस भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको आउटर पार्किंग भी मिल जाती है। यहाँ पे ट्रीज आप देखेंगे, ग्रीनरी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है प्रोजेक्ट के अंदर। स्टिल्ट में आपकी सारी पार्किंग आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइज, इट कम्स विद S+4 कंसेप्ट, साथ में आपको लिफ्ट भी मिल जाती है फ्लोर्स में ट्रेवल करने के लिए, एंड स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड रहेगा आपका। आइए चलते हैं, अब आपको 3 BHK दिखाती हूँ। सो एज आई सेड के सेंटर में आपका लिफ्ट आ जाएगा, स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड है, एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे। यहाँ है आज का हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट, जो आपको एज इट इज़ मिलेगा जब भी आप यहाँ पे परचेज करेंगे। सो जैसे आप इस अपार्टमेंट में एंटर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया, जिसमें सिर्फ आपका सोफ़ा नहीं रहेगा, आपका फॉल सीलिंग, लाइटिंग वगैरह सब एज इट इज़ रहने वाला है।
इसी के साथ कनेक्टेड आपकी बालकनी भी आ जाएगी, जहाँ से आपको पूरा मेन गेट का व्यू मिलने वाला है, सारे कमर्शियल आपके सामने आ जाते हैं, एंड लाइटिंग का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। आप देख सकते हैं दिन का टाइम है, तो मुझे यहाँ पे लाइट जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बात करेंगे ड्राइंग एरिया में आपके स्पेस की, तो आप यहाँ पे सोफ़ा देख सकते हैं, कितना बड़ा सिटर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी आप अपना घर डेकोरेट करेंगे, सामने वाली वॉल पे अपना स्क्रीन लगा सकते हैं। स्विचेस की अगर मैं बात करूँगी, दोनों मिलते रहे हैं आपको, नॉर्मल वाले भी एंड टच पैनल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका एसी का डक्टिंग आ जाएगा, एंड ड्राइंग एरिया के बिल्कुल एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाइनिंग स्पेस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज डाइनिंग स्पेस मिल रहा है। गाइज, घर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये। तो अगर मैं बात करूँगी डाइनिंग एरिया की, तो यहाँ पे आप ना 6 to 7 seater आराम से ऐड कर सकते हैं, इतना स्पेस मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पे आपका पूरा टेबल लग जाएगा, अच्छा सेटअप बन जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा किचन। किचन के साइज़ की भी बात करूँगी, तो अगेन बहुत अच्छा साइज़ है किचन का। एंड अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँगी, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे स्पेस आ जाता है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, जहाँ पे जितना मर्जी बड़ा फ्रिज आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। देन ये आ जाएगा आपका पेंट्री सेक्शन, अगेन विद लॉट्स ऑफ स्टोरेज। ये आपके अप्लाइंसेस के लिए स्पेस आ जाएगा, अगेन आपकी पेंट्री को स्टोर करने के लिए स्पेस। आपको कैबिनेट्स जो आपके रहेंगे वो आपके कुछ इस तरीके के हैं, जहाँ पे आप, क्योंकि सिंक के साथ में है, तो यूटेंसिल्स वगैरह सीधा वॉश करके यहाँ पे रख सकते हो। ड्यूल सिंक आ जाएगा विद दिस मूविंग फॉसेट। सामने विंडो है काफ़ी बड़ा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, क्योंकि किचन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किचन्स में इतने सारे मसाले यूज होते हैं, तड़का लगता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका चिमनी के लिए स्पेस, हॉब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको जो कैबिनेट्स मिल जाते हैं वो आपको डिफरेंट स्टाइल में मिल जाते हैं, कुछ आपको ब्लैक ग्लास के साथ मिल जाएंगे, कुछ आपके सिंपल रहने वाले हैं। सो ये थी हमारी किचन। अब हमारे जो आउटर पार्ट्स हैं उनमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है आपका पूजा स्पेस, जो आपको यहाँ पे आपके डाइनिंग एंड ड्राइंग के एडजॉइन में मिल जाता है। सो इसमें भी आपको एक काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाता है, जिसको अगर आप पूजा स्पेस बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं, अगर आप इसको अपना स्टोरेज बनाना चाहें इसको कवर करके, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पसली यूज़ हो सकता है। सो दिस वॉज आर आउटर पार्ट, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन एंड हमारा स्टोर रूम, जो मैं सारा दिखा चुकी हूँ। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पूरे घर में जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी यूनिक है, एंड एज इट इज़ आपका रहने वाला है जब भी आप ये घर परचेज करेंगे। अब शुरू करते हैं हमारे रूम्स का टूर। तो सबसे पहले ये फर्स्ट रूम आ जाएगा आपका, जिसमें स्टार्टिंग में ही सबसे पहले यहाँ पे रहेंगे हमारे कबर्ड्स, जिनका लेआउट कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ आ जाएगा हमारा वॉशरूम। सो वॉशरूम में जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी आपकी जैगुआर की फिटिंग आ जाएगी, स्टार्टिंग में बेसिन, देन सीट, देन यहाँ पे आपका बाथिंग सेक्शन रहेगा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। यहाँ पे विंडो है आपका, एग्जॉस्ट के लिए भी प्रॉपर स्पेस बना हुआ है, गीजर के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। एंड देन यहाँ आ जाएगा हमारा कंप्लीट रूम, मतलब रूम का साइज कितना बड़ा है, आपकी अलमीराज भी अलग है, वॉशरूम भी अलग है, उसके बाद भी इतना स्पेस आपके पास बच जाता है, जिसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑफकोर्स बेड तो आप लगाएंगे ही है, बट उसके बाद भी सामने यहाँ पे आप एक स्टडी टेबल बना सकते हैं, या फिर चेस्टर, या फिर सोफ़ा वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एसी की डक्टिंग यहाँ पे आ जाएगी आपकी, एंड ये रहेगा एक्सेस हमारी बालकनी के लिए। ये जो आपके डोर्स आ जाएंगे ये विथ टफन ग्लास रहेंगे। सो बालकनी का साइज़ काफ़ी अच्छा आ जाएगा आपका, काफ़ी वाइड बालकनी है, जैसे मैंने बोला था, यहाँ से बालकनी से आप पूरा कमर्शियल पार्ट यहाँ से देख सकते हैं, एंड ये आपका मेन गेट आ जाएगा सामने, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। यही बालकनी आपके ड्राइंग एरिया के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, ये आपके ड्राइंग एरिया के लिए एक्सेस आ जाता है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम में। सो ये है हमारा सेकेंड बेडरूम, विच इज़ योर मास्टर बेडरूम, जिसमें आपका कंप्लीट जो फ्लोरिंग रहेगा वो वुडन का फ्लोरिंग रहेगा।
इसके साथ भी आपकी बालकनी अटैच रहेगी, इसके डोर्स विद टफन ग्लास आ जाएंगे, फॉल सीलिंग सारा एज इट इज़ रहने वाला है, जिसमें आप लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसी की डक्टिंग आ जाएगी। अगेन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको दोनों स्विचेस मिल रहे हैं, सिंपल वंस भी और टच पैनल्स के साथ भी। देन ये आ जाएगा इसका क्लोजेट एरिया, जिसमें यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के लिए स्पेस मिल जाता है, आप मिरर यहाँ पे लगा सकते हैं, स्विचेस वगैरह यहाँ रहेंगे सारे, नीचे कैबिनेट्स आ जाएंगे जिसमें आप अपना मेकअप वगैरह स्टोर कर सकते हैं। एंड ये दोनों साइड में आपके कबर्ड्स रहेंगे, जिनका लेआउट कुछ इस तरीके का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है कि आप अपना सारा स्टफ इजीली रख सकते हैं। देन ये वॉशरूम आ जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में आपका बेसिन है, वैनिटी है, देन सीट, ये कंप्लीट आपका बाथिंग सेक्शन आ जाएगा। वॉशरूम में जो आपकी फ्लोरिंग है वो कंप्लीट आपकी एंटीस्किट रहेगी, एंड फुल वॉल लेंथ का टाइलिंग है विद मैट फिनिश। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। सो हियर कम्स आवर थर्ड बेडरूम, फॉल सीलिंग, यहाँ पर डिज़ाइन आपको बिल्कुल यूनिक सा मिल रहा है, एज इट इज़ सारा रहेगा जो भी आप फ्लैट परचेज करेंगे। सामने आ जाएंगे आपके कबर्ड्स जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेआउट काफ़ी अच्छा है एंड स्टोरेज के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। रूम के साइज़ की बात करूँगी तो बेड आपका इजीली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, साइड टेबल्स लग जाएंगे, एंड सामने एलईडी पैनल यहाँ पे आप बनाना चाहें वो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं, काफ़ी बड़ी वॉल है तो जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपकी एसी की डक्टिंग आ जाएगी सामने ठीक बेड के ऊपर, एंड अगेन इसके साथ भी हमारी बालकनी कनेक्टेड है, जो आपकी सेकेंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड थी, जो आपका मास्टर बेडरूम है। सो कुछ इस तरीके का स्पेस है बालकनी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड हैं, तो जितना भी वॉशिंग वगैरह की एक्टिविटी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड गाइज एक और चीज़ ध्यान देना कि जो आपके टावर्स हैं उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है पीछे, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ आ जाती है ये। बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट है, जिसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि घर की जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो होती रहती है। अब इसी के साथ ये जो हमारा थर्ड बेडरूम था, इसके साथ कनेक्टेड हमारा जो वॉशरूम है वो यहाँ बाहर रहने वाला है, जिसको आपके गेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बेसन आ जाएगा, देन योर वैनिटी सीट, एंड इस साइड आ जाएगा आपका कंप्लीट बाथिंग सेक्शन, टैप्स वगैरह, आपका शार्ड, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, कंप्लीट जैगुआर की फिटिंग्स रहने वाली हैं। सो गाइज ये था हमारा थर्ड बेडरूम, उसका वॉशरूम, इसी के साथ हमारा ये जो अपार्टमेंट है इसका टूर कंप्लीट होता है। सो गाइज दिस वॉज आर 3 BHK अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 2168 स्क्वायर फीट, जो बना हुआ है 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज पर, जिसमें आपको मिल जाता है ये ड्राइंग, डाइनिंग, पूजा स्पेस, किचन एंड 3 bedrooms विद अटैच वॉशरूम्स। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, जैसे कि आपके प्लॉट्स हैं 150 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1000 स्क्वायर यार्ड तक, आपको यहाँ पे कमर्शियल मिल जाएंगे, जिसमें ऑप्शंस हैं आपके DSS, आपके SEOs, बूट्स एक्सेट्रा, कनेक्टेड रहेगा आपके ट्राई सिटी के मेजर हाईवेज के साथ, जहाँ से आप कहीं के लिए भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, आपकी स्क्रीन पे ऊपर नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं चलती हूँ एंड कोई और वीडियो बनाती हूँ आपके लिए एंड लेकर आऊँगी। मिलते हैं, टिल देन टाटा बाय बाय।